फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स इन एग्रेरियन सोसाइटीज जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन की तो जो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ है दैट इज़ वेरी मच अनसर्टन अनसर्टन किस रेफरेंस में होंगी इट माइट बी पॉसिबल देर इज पेस्ट अटैक एंड डिजीज अटैक एंड बिकॉज ऑफ दोज पेस्ट एंड डिजीज अटैक इट हैज सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन फिर यहाँ पर जो आपकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इट सीजनल इफेक्ट्स भी वहां पे कुछ ना कुछ आएंगे कि बिकॉज ऑफ चेंज इन क्लाइमेट इट आल्सो हैव सम ऑन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज बाई कह लें कि जो आपके पास लैंड लॉर्ड ऑनर्स होंगे उन्हें क्या चाहिए दे नीड हायर्ड लेबर और जब वो हायर्ड लेबर यूज करेंगे इट आल्सो अ हायर हाई सुपरविजन कॉस्ट ऑफ द लेबर अब यहाँ पे ये जो तीन हमने कह लें फीचर्स फीचर किए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस सीजन एंड हाई सुपरविजन कॉस्ट तो ये बड़ा ही रोल प्ले करेंगे इन द इंस्टिट्यूशनल अरेंजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स इन दी मार्केट फॉर एग्रेरियन सोसाइटीज जब हम मार्केट्स इन एग्रेरियन सोसाइटीज की बात करते हैं तो हम वहां पर कहते हैं दे आर आर देर आर थ्री मार्किट्स लैंड लेबर एंड क्रेडिट मार्केट अगर हम कंपेरिजन करें बिटवीन डिवेल्प एंड डवेल्पिंग कंट्रीज की मार्केट्स का तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन मेथड है इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज इट इज कैपिटल इंटेंसिव इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज इट इज लेबर इंटेंसिव जो आपके पास डेवलप्ड इकोनॉमीज दे आर कैरिंग आउट प्रोडक्शन अंडर कमर्शियल फार्मिंग लेकिन जो आपके पास डेवलपिंग इकोनॉमीज में है दैट इज यूजुअली अंडर द दबेंस एग्रीकल्चर जब आप डेवलप्ड इकोनॉमीज की बात करोगे वहां पे मार्केट्स एज इट्स ओन सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म स्पेशाइज टास्क के लैंड मार्किट के जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे जो आपके पास क्रेडिट मार्केट के होंगे या लेबर मार्केट के होंगे दे परफॉर्म देअ इंडिपेंडेंटली और वहां पर आप कह लें देर आर सर्टन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रिकल्चरल जो कि आपकी डिवेलपिंग इकोनॉमीज में या डेवलपिंग कंट्रीज में आप कह लें काफी वीक होते हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चरल आउटपुट फिर इसे पेटमेट जब हम मार्केट्स की बात करते हैं तो डेवलप्ड इकोनॉमीज की मार्केट आप कह हैं जबकि डेवलपिंग इकोनॉमीज में मार्केट्स आर वेरी मच जब हमने बात की अबाउट लैंड लेबर एंड क्रेडिट मार्केट की तो इन डेवलपिंग इकोनॉमीज दीज मार्केट्स आर वेरी मच इंटरलैंक लिंक जब हम लैंड लॉर्ड की बात करते हैं कि लैंड लॉर्ड प्रोवाइड क्रेडिट टू टीन कि जो आपके पास स्मॉल फार्मर्स हैं दे आर गेटिंग क्रेडिट फ्रॉम दी लैंड और जो आपके पास और वो टेनेंट्स क्या करते हैं दे आर प्रोवाइडिंग लेबर लैंड लॉडस अगेंस्ट द क्रेडिट दैट दे गेट फ्रॉम दैंड लॉर्ड अगेंस्ट दैट क्रेडिट दे आर प्रोवाइडिंग सर्टन सर्विस टू लैंड लॉर्ड फिर इसी तरह हम अगर ट्रेडर्स की बात करें कि देर आर सर्टन क्रॉप ट्रेडर्स क्रॉप ट्रेडर्स क्या करते हैं दे ग्रांट क्रेडिट टू फार्मर्स और उसके रिटर्न में वो क्या कहते हैं कि इन दिस रिटर्न गेट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ देयर क्रॉप एट हार्वेस्टिंग ये मुझे क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपकी लैंड लेबर एंड क्रेडिट मार्केट आर वेरी मच इंटरलिंक्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज जब आप कहें कि इन द मार्केट देर आर इंटरलिंक्ड ट्रांजेक्शन तो ये आपकी जो मार्केट्स हैं इनको इंपरफेक्ट भी बना देते हैं और इन भी बना देते हैं एंड बिकॉज ऑफ इमपरफेक्शन एंड इनएफिशेंट देअर इज नॉट ऑप्टीमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और यहाँ पे जब हम इनफिशेंसी की बात करते हैं कि ऑप्टीमल लेवल ऑफ आउटपुट इज नॉट प्रोड्यूस दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड लैक ऑफ इंसेंटिवस ये लैक ऑफ इंफॉर्मेशन लैक ऑफ इंसेंटिवस किन के लिए फॉर द फार्मर्स फॉर द टीन एंड फॉर द शेयर क्रॉपर्स हुर प्रोड्यूसिंग क्रॉप ऑन द लैंड जब आप इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट एंड इनफिश मार्केट की बात करते हो तो ये इम्परफेक्ट एंड एफिशियंट मार्केट बेसिकली आर द फॉर द इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट के जो आपके पास फॉर्मल इंस्टीट्यूशन हैं ये ये जो इनफिशियंसी हैं और इम्परफेक्शन हैं एट क्रिएट स्पेस फॉर द इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशनल अरेजमेंट इन दीज मार्केट